बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के बड़े अहम हलके एन ए 130 में। इस हलके की सबसे बड़ी बात यह है कि इस हलके में हमेशा जो तगड़े कैंडिडेट होते हैं वो मदे मुकाबल होते हैं। जो 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें इस हलके से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मियां मोहम्मद नवाशिफ साहब हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं इस बार 2024 के इलेक्शन पीटीए की तरफ से कंटेस्ट करेंगी। नाज़रीन, अगर इस हलके की प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताऊं तो वहीद आलम खान ने 1,22,327 वोट हासिल किए और वो कामयाब रहे, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं दूसरे नंबर पर आईं, उनके 1,06,000 के करीब उनको वोट पड़े थे। अब 2024 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तगड़े कैंडिडेट, बल्कि मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा तगड़े कैंडिडेट जो मियां मोहम्मद नवाशिफ साहब हैं, वो खुद इस हलके से जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और अगर इस हलके में जो यहाँ के इलाके आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इस हलके में लोअर माल, अनारकली, मजंग, लिटन रोड, टेम्पल रोड, वारिस रोड, वापडा हाउस, ओल्ड कैंपस, हार्ड रोड, चबुर्जी, दाता दरबार, भाटी गेट, मुगलपुरा और बेशुमार इस तरह के इलाके जो हैं इसी पट्टी में जो है शामिल है, आज इस हलके में मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि आपके इलाके में मियां मोहम्मद नवाशिफ साहब जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने आ रहे हैं तो आप किस तरह से उनको वेलकम करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शेर धाड़ेगा या पीटीआई का जो है बल्ला चलेगा? आइए आवाम से बातचीत करते हैं। क्या हाल है? खैरियत से? किसे वोट डालना है आपने? इमरान खान को। क्या वजह है? वो तो यहाँ से खड़े नहीं हो रहे। वो तो इनको की ताकते हैं, इन्होंने रोका हुआ है ना। नहीं, वो तो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो नवाशिफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद है। देख लेंगे अभी, किसको देंगे? इमरान खान का देना। इमरान खान तो यहाँ खड़ा ही नहीं हो रहा। अब तो ये अब इमरान खान की बेचारे की बैड लक है ना, जो यहाँ से नहीं खड़ा हो रहा। नहीं, वो जाहरी बात है, एक दो सीटों में खड़े होंगे ना अगर इलेक्शन कंटेस्ट करते भी हैं। देखते हैं अभी फिलहाल यहाँ पे पाकिस्तान तरीके साहब का कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। यहाँ पे ज्यादातर तो नवाज शरीफ साहब के ही खड़े हो रहे हैं। इमरान खान का नहीं खड़ा? इमरान खान का कोई खड़ा नहीं हो रहा। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद कौन? नहीं, वो एक हमारे इमरान भाई हैं। अगर यहाँ से इमरान खान का ना खड़ा हुआ तो इमरान भाई वो भी नवाज शरीफ की तरफ से खड़े हुए हैं। हाँ। तो शायद उनको डाल दें, वो भी उनकी शख्सियत पे। अदरवाइज नवाज शरीफ की शख्सियत पे किसी को वोट नहीं देंगे। राशिद का नहीं पता, वो भी इमरान खान की तरफ से खड़ी हुई है। नहीं, ये तो आपने बताना है ना मुझे, आप बताएं। पता तो है डॉक्टर यास्मीन राशिद का, वो डॉक्टर है यहाँ पे, उनका ऑफिस भी था हमारे, यहाँ से भी खड़ी हुई है। हाँ, तो फिर उनको ही देंगे। उनको देंगे, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अगेन फर्क है? अगेन फर्क है। हाँ जी। तो दवाई वही इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, दवाई नवी शुरू होने लगी है 2024 बाद। 2024 तो बदल ली है। की फर्क आया तुम? फिर फर्क है सामने से लाल जो हो रही है पैसे। नहीं, तुम कह रहे हो कि पहले ना फर्क है? हाँ, पहले ना फर्क है, छत थले बैठे छात्र थे बाहर आ गए बैठे मतलब आपकी? मेरी उम्र 50 साल। आपने आज तक वोट ही नहीं बनवाया? वोट बनाने का फायदा कोई नहीं। आपने आज तक वोट ही नहीं बनवाया? हाँ जी। तो वोट तो आपका आईडी कार्ड बना है तो आपका वोट भी बन जाएगा। चल फिर वोट नहीं डाला? नहीं, हमने नहीं डाला वोट। आज तक वोट नहीं डाला? वोट ही डाला। अभी भी नहीं डालना? अभी कोई पता नहीं है, कब फैसला करेंगे ये। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये कह रहे हैं कि मेरा तो वोट नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बनाया? ये पाकिस्तानी नहीं है क्या? पता नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं तो कभी नहीं वोट डाला। भाई, इनकी लोगों की वजह से तो ये मुल्क का ये हाल हुआ हुआ है। इनकी वजह से? ये क्या कह रहे हैं? आपने शिनाख्ती कार्ड नहीं बनाया? बनाया। तो फिर वोट देना चाहिए ना आपको? अभी नहीं देना? कब देना? कब देना? अभी तो पता ही चलता किसको वोट डालें किसको ना डालें। आप नहीं वोट डालोगे तो फिर बेटे कैसे डालेंगे? आप किसको वोट डालेंगे? मैं तो पीटीआई को डालूंगा जी, पढ़ी लिखी की आदत आए। ये यहाँ से कौन सा कैंडिडेट खड़ा बोला? डॉक्टर यास्मीन की खड़ी हुई है। आपको पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा था। डॉक्टर यास्मीन है जी, पढ़ी लिखे बोले। आपने नहीं डाला वोट? डाला है मैंने। तो पिछली बार नहीं जी सकी? कौन सी? डॉक्टर यास्मीन राशिद। पहले देखे ना, पहले यानी कि 1-1 लाख से लीड होती थी नवाज शरीफ को पढ़ लेता था, अब वो 35,000 वोटों से आ रही है। आपके मदे मुकाबले बहुत तगड़ी शख्सियत है नवाज शरीफ साहब। जो मर्जी हो, मसला ये कि जब बुरा वक्त पड़ता है तो वो ये भाग जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, इनको कोई ख्याल नहीं है। अब हमारे मुल्क आपकी खिदमत के लिए आ रहे हैं, कैसी बातें कर? कैसी खिदमत के लिए आ रहे हैं? अच्छा, एक बार एक लाहौर, नया लाहौर,
खिदमत करनी है तो पहले गरीबों का तो हाल बेहाल हुआ है उनको दें। आपको वो देखे सामने पुल बना क्या करें इसके ऊपर क्या मोटरवे करें क्या करें बताएं मियां साहब और क्या करें। मियां साहब को चाहिए कि हालात देखें क्या मुल्क के कैसे हालात करे। इन्होंने अरबों रुपए खरबों रुपए है जो बाशरी ने मुफ्त आटा बांटा था और वही आटा यहाँ पे मुल्क में होता तो बेशक जो चौदह आटा जो बांटा था वो अपने लोगों को बांटा था। हाँ जी अपने लोगों को बांटा तो फिर अब वो अपने लोगों के लिए महंगाई कर देंगे जो उनके साथ साथ हैं तो उनको उनका ही पेट भरेगा। किसको वोट देना आपने? इमरान खान। आपने? नून लीग। नून लीग। आपने? इमरान खान। इमरान खान जी। आपने? इमरान खान। आपने किसको वोट दिया? शेर को। शेर को इंशाल्लाह शेर को। आपका तो वोट नहीं बना हुआ। अच्छा ये यहाँ पे नवाज शरीफ साहब खुद खड़े हो रहे हैं तो नवाजी साहब को नहीं पंजाब का लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ओरन ट्रेन बनाया। इन्होंने अपने पैसों से तो नहीं बनाया, इन्होंने इसी ओरन ट्रेन में अपने लिए पैसे बनाए, कौम के लिए नहीं बनाया, कौम के टैक्स से इसको इन्होंने ओरन ट्रेन बनाया। ये बनाए हुए शुक्र अल्लाह का जी। इलेक्शन आ गए ने? इलेक्शन आ गए ने वोट साढ़े जुम्मे असी देंगे बत्ती भावे सानू देन तो भावे ना देन असी वोट तो देना ही देना भुखे मरिए रजे रहिए वोट देंगे ओ मानत है ओ असी फर्ज दा जरूर करांगे। ते किनू देंगे? साडी तो कोशिश शेर नू देईए अगर जिवे मालिक नू मंजूर है। साडी कोशिश है मतलब? हाँ जी गरीब ने बेचारे तो बिल तारदा नहीं था रोटी मिले जा ना मिले। किस तरह हालात चल रहे ने फिर? हालात तो बड़े औखे चल रहे हैं बहुत ज्यादा औखे चल रहे हैं। बीवी मेरी के हफ्ते में दो दफा गुर्दे वाज होते हैं मेरे मैं वो नहीं फोड़ कर सकता। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती अता फरमाए। क्या करते हैं आप? मेहनत तो मजदूरी कोई ऐसा पेशा नहीं है कोई ऐसी जॉब नहीं है जो कर ले। तो कब से वोट दे रहे हैं आप? आपकी तो माशाल्लाह को 60-70 साल उम्र भी लग रही है। हाँ जी ये कब से वोट का सिलसिला? जी जदों का वोट पहला वोट किसको डाला था? मुझे उन्हें याद ही नहीं किसको डाला था। ये मर्दों ने दिमाग कमेंट कर दिया मरीजों के साथ ही बात के। पहले 5 साल बेटी को भिजाया उसकी डेथ होगी उसकी 4 बेटी हमारे पास हम बीवी के गुर्दे वाश होते हैं उन्होंने भिजाई फिर ना। नवाज शरीफ को वोट देने की क्या वजह? नवाज शरीफ वजह जद नवाज शरीफ की घूमत सी रोटी 2 रुपए की सी हम नवाज शरीफ की घूमत नहीं सानू 22 रुपए की भी रोटी नहीं मिलती 25 की मिलती है वजह है और कोई वजह नहीं। दोबारा आने तो रोटी 2-4-5 रुपए की हो जाएगी हो सकता हो जाए कि खरे 30 की हो जाएगी ये भी कोई पता नहीं। आपने किसको वोट डालना है? भाई शेर को पावांगे नहीं तो बिल्ली पा देंगे बिल्ली पावांगे बिल्ली बिल्ली को खिताब में बैठी है पा देंगे भैन और किनू पाइए इमरान खान खान साहब को वोट डालेंगे। जी जी खान साहब तो यहाँ से खड़े नहीं हो रहे नहीं हो रहे फिर मरियम को डाल देंगे मरियम अच्छा हाँ मरियम भी यहाँ से नहीं खड़ी हो रही फिर घर हम इधर ही नहीं आते हम शादबाग रहते हैं। यहाँ पे खड़े हो रहे हैं नवाशिर साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद पीटीआई से। राशिद को हम देंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद को देंगे ठीक है। वो हुआ है ना बाईपास का ऑपरेशन हुआ है अच्छा। सेहत कार्ड के ऊपर हुआ है तो वो इसलिए उसको देना है। सेहत कार्ड से मेरा इमरान खान के सेहत कार्ड के ऊपर हुआ है। क्या हुआ है? सेहत कार्ड पे ऑपरेट हुआ है उनका। आपका सेहत कार्ड पे ऑपरेट हुआ है? किस चीज का भाई? उसका हुआ है 2 स्टार्ट भरे हैं मुझे नहीं टैग हो गया था ना मुझे अच्छा। फिर 2 स्टार्ट टले हैं मुझे से आप पंजाब कटवालो जी पंजाब कितने घंटों में डले कितने दिनों में डले? 8 दिन बाद। अगर ये आप 8 लाख रुपया देते तो आपको 1 घंटे में डाल जाने थे ये भी तो लेकिन 4 लाख देना भी तो पड़ना था। हमने तो इमरान खान ये फंड के पैसे हैं जो अपने पास से नहीं दे रहा आपको सेहत कार्ड ये भी बताए ना जो ये चीज ने किया हमारा काम तो नवाशिफ ने कितना लगा देने से भाई साढ़े से। आप क्या कह रहे हैं कि ये अगर 4 लाख जेल से लगा लेते तो इनका 1 घंटे में हो जाना था? हाँ जी 1 घंटे में। वो कह रहे हैं कि 4 लाख तो नहीं था पास अगर 8 दिन में ना भी होता तो फिर क्या होता ये भी तो पूछे ना तो हो गया ना उतारे फिर अल्लाह वाला से उतारे के हो गया धक्के खा के भी हुआ है तो क्या हुआ है टाइम ही लगा ना 1 घंटे में लगा। मुख्तसर बात बताऊंगी हमें सड़कों की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल की जरूरत है तालीम की जरूरत है। सेहत कार्ड पे हुआ जी जी आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सोच रहे हैं मतलब कि आपका 4 लाख बच गया आप बच गया इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री का हुआ मेरा काम सारा। फ्री काम कौन से हॉस्पिटल से? पंजाब कटवालो जी।
आप कार्डियोलॉजी। मैंने कहा बकाया 4 लाख रुपया देता तो 1 घंटे में डाल जाने थे, मैंने तो ये बताया फ्री तो आया, फ्री फंड का तो 8 दिन लगने ही थे ना। वोट किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान सब भेजे जिन्हें सब देना साहब। आप इसको वोट देंगे? नवाजी को। नवाजी को जी। तुसी किनू वोट दियो? शेर नू। शेर नू तुसी? हाले फैसला नहीं होया। कर लो शेर नू। शेर नू शेर शेर जिन्हू मंगाया जे ओनू ही देने है, जिन्हू मंगाया जे ओनू ही देने है शेर नू। अच्छा तुसी किनू वोट दियोगे? किसे वोट देंगे आप? नवाज शरीफ। नवाज जी को आप इसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान को आप? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ भैया आप किसको वोट देंगे? हम किसी को भी नहीं। आप नहीं देंगे? चाचा किन वोट दोगे? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। आप किसे वोट देंगे? जिनू आखिर हटाएंगे किन? डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट देंगे या नवाज शरीफ को वोट देंगे? सर नवाज शरीफ। नवाज साहब को सर किसे वोट देंगे? पीटीआई। पीटीआई 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 आप किसे वोट देंगे? तारीख लबैक। लबैक आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब आए जरा चलते हैं यहाँ पे कुछ लाइन लगी है इनसे बातचीत करते हैं। किसे वोट देंगे? इसे वोट देंगे? आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? जो लंगर को आ रहे हैं, जो लंगर खिला रहे हैं वो कौन खिला रहा है? आप लोगों ने क्या तो दी है? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देंगे? नवाज शरीफ लंगर दे रहे हैं ये? नवाज शरीफ साहब लंगर दे रहे हैं आगे। तू तो देना ही नहीं यार, झूठ ना मार। किसे वोट देंगे? फिलहाल उम्मीद नहीं है। फिलहाल उम्मीद नहीं है। किसे वोट देंगे भाई? भाई ये नाम किसी को नहीं देंगे, कोई पता नहीं यार। किसे वोट देंगे आप? पीटीआई को। पीटीआई को आप? टीएलपी को। ठीक है इधर रास्ता देना। किसे वोट देंगे आप? इमरान खान। इमरान खान को? इमरान खान को देंगे। इमरान खान को? इमरान खान आप बताएं। इमरान खान को। इमरान खान भाई किसे वोट देंगे आप? एस एल के से डॉक्टर यास्मीन। डॉक्टर यास्मीन राशिद आप किसे वोट देंगे? हम खान साहब को देंगे। खान साहब? खान साहब को? इमरान। इमरान खान साहब को? हमें खान साहब। खान साहब भाई आप किसे वोट देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब बड़ा सख्त मुकाबला है यहाँ पे तो। भाई किसे वोट देंगे? आपने तो बता दिया पहले। आप किसे वोट देंगे? इमरान। आप? नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ। पीटीआई। पीटीआई भाई किसे वोट देंगे? पीटीआई। पीटीआई किसे वोट? मेरे और काम है वोट से मेरे को तल्लुक। हाँ जी मेरे वोट से कोई तल्लुक? आपका वोट से तल्लुक नहीं? बिल्कुल नहीं। आप पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हूँ पाकिस्तान का। आईडी कार्ड बना हुआ है ना? बना हुआ है। तो वोट नहीं डालेंगे? जो बंदा आपके व्यू नजरिए पे पूरा न उतरता उसको क्या जरूरत है? व्यू नजरिया क्या है लेटर ऑन बता दूंगा। मेरी पोस्ट है मोबाइल पे, सब कुछ मैंने टेक्स्ट किया हुआ यार। ज्यादा मुझसे बोला नहीं जाता, मैं दिमागी मरीज हूँ। अल्लाह भाई किसको? भाई हम तो है ना, हम कहते हैं कि सब ने कुछ ना कुछ किया। हाँ। तो फिलहाल डिसाइड नहीं, सब भी अच्छे लोग हैं। ठीक है हमारा सबके लिए वोट है, किसी एक के लिए नहीं है। सारों को कैसे वोट दे देंगे? ना देंगे, ना देंगे। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जी जी। आप? नवाज शरीफ। आप? मियाँ साहब। मियाँ साहब ठीक है आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। वोट किसको देंगे आप? हाँ जी वोट किसे देंगे? अब मान के तरीके से आंखें बंद करके बोल लगाऊंगा, जो सा इंसान हो उसका उसके ऊपर मोर लगेगी, दूसरी के किसी के ऊपर नहीं लगेगी। जिसको भी लगे इंसान होगा उसको लगेगी। आंखें बंद करके? आंखें बंद करके मुसलमानी तरीके सुनते सूर के मुताबिक। मुझे आप बताएं वोट कैसे डालेंगे? वोट पर्चियां मिलती है, पर्ची लूंगा, अंदर जाऊंगा, मोर लगानी है आंखें बंद करके लगाऊंगा। मैं आंखें खोल कर नहीं मोर लगाता। किसमें लगी है? जिसको बाद में तो देखता हूँ, जिसको लगे शेर को। इस बार आंखें बंद करके लगाई तो शेर को लगी थी। इस बार भी आंखें बंद करके लगाएंगे? आंखें बंद करके। आप बताए अगर वो खाने से बाइंड लग जाए तो वो कैंसिल हो जाता? वो कैंसिल हो जाता है, मुझे पता है। सेंटर में भी लगे था, भी कैंसिल होता है। तरीका क्या है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 अल्लाह के नाम पे देखे, अल्लाह के नाम पे टारगेट होता है। कितनी देर टारगेट होता है? हाँ। कि 1 है 2 है 3 है। हाँ। वो उसी तरीके से ऐसे बोर लगानी है ऊपर, वहाँ पे लगती है हिम्मत ना। अरे बाबू नजदीक है किनारा डूबती नहीं, वो कशी इसका अल्लाह और रसूल है सारा। आपने किसको वोट देना? पीटीआई को। पीटीआई को। आपने किसको वोट देना? जनाती कार्ड है जी। आपको जनाती कार्ड नहीं बना हुआ? क्या उम्र है आपकी? उम्र होनी चाहिए 45 साल। अभी तक किसी ने पूछा नहीं आपको आपका जनाती कार्ड नहीं बना? पूछ रहे हैं जेको पर मोहन जो कहते नहीं बनता। बात आप कैसे जनाती कार्ड होना चाहिए सर? दूसरा एक और है, हम लोग अजी सनावला है। अरे नाम गजकर बोलता हूँ, अजी सनावला है हम लोग, झूठे एक नंबर के। शासन का नाम है इंसाफ। क्या बात। और हमारे मुल्क में 22 सिलसिला चलता है। क्या चल रहा है? 22 सिलसिला उल्टा 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 चलता है। उल्टा नहीं चलना चाहिए, उल्टा नहीं वोट देना चाहिए। नवाज शरीफ जी।
वोट किसको देंगे? वोट मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ को क्या वजह? बस उनको देना, शुरू से उनको देते हैं। शुरू से दे रहे हैं? हाँ। अभी भी उनको। अच्छा, आपको पता है इस हल्के में वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल पता है। तो आप अपने आपको खुशकिस्मत समझते हैं कि मियां साहब आपके हल्के से इलेक्शन ला रहे हैं? बिल्कुल समझते हैं, क्यों नहीं। क्या लगता है चौथी बार अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं मुल्क तो चल जाएगा, सही हो जाएगा मुल्क? नहीं, तो पहले तीन बार जब बने तो आप खुश हैं? बनने ही नहीं दिया, उनको खड़ा ही नहीं होने दिया। नहीं, तीन बार तो वज़ीर आज़म रहे हैं, वो बने हैं ना, तो पूरी मुद्दत पूरी करने ही नहीं दी उनको। वो तो अल्लाह के हुक्म से कभी भी नहीं हुई, इस बारी करेंगे पूरी। हाँ, इस बारी बस अल्लाह की रहमत से पूरी। आज किसे वोट देना? ओनली वन मैन शो, इमरान खान। अच्छा, क्या वजह? सच। और क्या, सच को वोट नहीं डालते? नहीं, मतलब कि क्या आपको लगता बाकी सच नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे। बाबा जी, तुझे किन्नू वोट पाना? मेरे को ना पूछना, मैं किन्नू वोट पाना? जिन्नू वोट पाया कृपया फायदा नहीं होया सन, एक मेरी गल सुन ला। सारी जिंदगी आज सोटी ला के मैं दो बच्चा की रोटी कमा के जाना वा। अच्छा, सानू की फायदा पहुंचा? इमरान बह जाए, नवाज शरीफ बह जाए, सरदारी बह जाए, दूसरा जरा मर्जी, सानू ही कृपया का फायदा नहीं होता। सच बोलना की अल्लाह ने, बस अल्लाह ने भरोसे। क्या कह रहे हैं? मैं सच बोल, बड़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, चाचा है मेरा। कुछ नहीं देना, सारी जिंदगी तो बुढ़ा हो गया वहाँ, एक रुपया फायदा किसा? मेरे वोट किनू पाओगे? वोट जिन्हू पाइए, साडी दिल की मर्जी, जिन्हू मर्जी पाइए। पता लगे हम बोलेगा तो बोलेगा तो बोलता है, हम किसी ने वोट नहीं पाना, जिन्हें अज वोट पाना अंज करे। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। नहीं, तुहाडा नाम की है? मेरा नाम बाबा अनवर। अनवर साहब, मैं तुहानू पूछ रहे हैं कि इथो नवाज साहब आप इलेक्शन ला रहे ने? मैं कहना सारी जिंदगी मैं नवाज शरीफ नु वोट दिता, मैं अल्लाह बारी, मैं मेरा छोटा जाना, मैं नवाज शरीफ शरीफ खानदान है ना, मैं उन्हां दी रोटी कुटी है, छोटा जा रोटी कुटी, मतलब उन्हां दा घर है, इत्तेफाक कारखाना होंदा सी, इत्तेफाक कारखाने च, इत्तेफाक कारखाने च, इत्तेफाक कारखाने च तुसीं काम करदे हो? मेरा चाचा चाचा नाल नाल। हां, तुसीं चाचे नाल जांदे सी? हां, रोटी कुटन इन्हां दी। हां, शरीफ दा इन्हां दा पियो गा सी बहुत शरीफ। तुसीं अज तक नवाज शरीफ नु वोट पाया? वाह, ते ऐर की देखो जी, अल्लाह जो अल्लाह नु मंजूर है उन्हें दस दियो ना, जे कम सही करा नवाज शरीफ नु वोट पाओ। जी ने पहले कम सही किते ने? नहीं किते, सही किते ने, सही किते ने, तुहाडा नवाज शरीफ। हां जी, आगे वोट देंगे पीटीआई। पीटीआई खान साहब, जो आपके नवाज खान साहब। ओए यार, आप बुजुर्ग को कैसे बात कर रहे हैं? खान साहब, खान साहब, खान साहब जिंदाबाद। गुलाम नहीं है, हक देगा, चोर है तू, मेरी गल सुन, जरा सही होगा मैं उन्हें बोल दूंगा। इमरान खान को क्या वजह? अच्छा आदमी है, तो उनको अगर वो नवाशी में अच्छा लग रहे हैं तो क्या कह सकते हैं? उसकी मर्जी है, चोर कह रहे हैं, गलत बात है। मैं नहीं, सारे मैं कह रहा हूँ, और सारे भाई वोट दे के देखा, चोरों का पहली चोर, दम दम डिगा डिगा, मौसम बिगा बिगा, तेरे बिन मैं तो गिरा, मैं तो अल्लाह सूरत आप, सुभान अल्लाह अल्लाह सूरत आप। आप किसको वोट डालेंगे? मियां नवाज शरीफ को। क्या वजह? क्योंकि वो खुद भी खाते हैं, हमें भी खाने देते हैं। क्या 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 बात की आपने? हमने कहा कि वो खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खाने देते हैं।
आपको लगता है कि मियां साहब के आने से हालात बेहतर हो जाएंगे? हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप किसे वोट डालेंगे? किसी को नहीं, आप गरीब मियां नवाज शरीफ को। अच्छा लीडर चुनना चाहिए, किसे वोट डालेंगे? मियां नवाज शरीफ, शेर पाकिस्तान। वजह यह है कि वो काम करने वाले है। इसने हमें लंगर खाने पर लगा दिया, खुद सारा तोशा खाना ले गया, लूट के ले गया, वो अल कादर वाला पैसा ले गया, उधर से बुशरा लूट ले, उधर से ये लूट ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम माशाल्लाह इमरान खान का साहब को वोट देंगे, ईमानदार का साहब को वोट देंगे। जो डेढ़ साल में बैठे हैं ना, जो डेढ़ साल में बैठे हैं, यो 200 केस डाल कर अंदर डाल दिए है, यो किसी को नजर नहीं आता। जो तोशा खाना डाल रहे हैं, चोरी डाल रहे हैं, वो इतने दरख्त डाल दिए मुसलमानों के पाकिस्तान में, वो इतनी चोरी नहीं है जितने वो दरख्त लगा दिए है, जितनी खैर गई मुसलमानों की है। क्या ना झुकेंगे ना झुकने देंगे? सही है ना? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? हम खैरियत। वोट किसको डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान को? आप? इमरान खान को। आप? इमरान खान। आप? सारे इमरान खान के। वजह क्या? वजह यही है, सबको पता है इमरान खान है। वजह बताए ना। बहुत सारी वजुहत है, क्या क्या बताऊं, पूरी पूरी रात गुजर जाएगी उसकी तारीफ। एक एक बता दें। बस ये है कि आवाम को शऊर दिया है, यही सब कुछ है। जो 75 साल से किसी को नहीं दिया। आपको ऐसा क्या शऊर मिला? शऊर यही मिला कि मैं लाहौर में खड़े होके जो नून लीग के लिए वोट देता था, आज मैं इमरान खान के लिए बात कर रहा हूँ। ये शऊर कम है। शऊर यही है ना कि जो हकायक हमारे सामने वो लाया है, बुनियादी चीज यही है। उसके अगर आपको उसके एलिमेंट्स ढूंढने के सपोर्टिंग, वो बहुत सारे हैं, वो पूरी रात गुजर जाएगी। दादा बाजार के सामने आप देखेंगे, आप क्या बना हुआ है, कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है, ये किसने बनाई थी, पनागा वाली, सबसे पहले आप ये देख ले। तो फिर दादा साहब के सामने जो पुल बना हुआ है, नहीं ना ये घर तो नहीं है ना। आप जो बेसिक है ना, आप चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखे ना। आप ये तो नहीं कि आप भूखे मर जाए। आपको मिसाल के तौर पर आपको खाने की जरूरत है, ठीक है ना, और मैं आपको पानी में पानी पिलाया जा रहा हूँ। आप कहेंगे भाई मुझे पानी, बड़ी मेहरबानी, मुझे जो है ना थोड़ा सा यही दे दे बस। तो ये हाँ ये चीजें जो है ना आपको इंसान को ना बड़ी ऊंची तक लेके जाती है। तो नवाजी साहब खुद लड़ रहे हैं, तो बड़े लड़े, इसमें क्या है? तो आप फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद को देंगे? डेफिनेटली, जो भी उसके अगेंस्ट है, चाहे खंबा भी होगा, खंबे को वोट दे देंगे। हाँ खंबे को भी दे देंगे। आप इसे वोट देंगे? इमरान खान। आप? एक वोट नहीं, इमरान खान, जब तक जिंदगी है उस टाइम तक हमारा वोट इमरान खान के साथ है। इमरान खान, वजह यही है यार, ईमानदार है तो ये मुल्क हमारा। चाचू जी क्या बात कर रहे हैं, आप इसको वोट डालेंगे? शेर को। शेर को? तो ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं? शेर का आप बिना सीमेंट और बिना बजरी का कोई काम बताए नवाज शरीफ का? नहीं काम सीमेंट छोड़ो, सीमेंट और बजरी ना हो जिस काम में, वो काम बताए। शेर दुआ करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कौम को हदायत दे। ये इमरान खान नवाज शरीफ जरदारी के चक्कर से निकले। वो क्यों नहीं, मैं बता दूं। चाचू आप नवाज को वोट देंगे? नवाज शरीफ को? बस कोई वजह नहीं, ऐसी ऐसी वोट दे रहे हो? दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं। जमीर जिंदा हो तो बताओ ना भाई, शुरू से जमीर मर चुके हैं ना ये। जमीर मरे चाचू जो है, सीमेंट और बजरी की रोटी खाते हैं। ये एक मेट्रो जो है, ये भी आप ऐसे कर लें कि ले जाएं। नवाज शरीफ का इधर जो भी है सपोर्टर, एक बात बता दे, सीमेंट और बजरी के अलावा नवाज शरीफ का कोई काम बता दे कि उसने किया कोई। या इधर सीमेंट और बजरी ना हो, उसमें ऐड ना हो, नवाज शरीफ ने कोई काम किया हो। इस बात का मैं जवाब देता हूं, मेरी बात सुने मेरी भाई। ये भाईजान कुछ ना बनी गाला की ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इनसे थोड़ा सा मुतासर हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो सुने ना मेरी, वो तो भाग गया इनका लीडर भी। मैं वही बता रहा हूँ, मैं खुद काउंसलर था नून लीग की तरफ से, मगर इन्होंने जब तुमने फैसला किया जनाब, ये जो है ना अपना हमारी समझ में नहीं आ रहे अब, तो इस वजह से मैं आप तहरीक लबैक में अल्हम्दुलिल्लाह में ज्वाइन किया है। वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स हमारी आवाम का। आपने वजह ही नहीं बताई। वजह यही, हम पुराने उनके वोटर हैं, पुराने दे रहे हैं, दे रहे सर। मैं कहता हूँ कि बहादुर इंसान को हमें मुंतखब करना चाहिए, नहीं जैसे कि इमरान खान जो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, उन्होंने कुछ किया तो है ना, दे
देख ले ये मेट्रो उन्होंने बनाई वो ये 300 का सफर है। आप यहाँ से अगर गुजुमत आ जाते हैं 300 रुपया लगेगा। अगर आप भी सफर करें आप 30 रुपए में जाएं एक दफा आप खाली 300 वही ना तो आप 30 रुपए में जाएं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप टेंशन ले रहे हैं। हमें टेंशन नहीं है, हमें ये सहूलत है कि हम 30 रुपए में घर जा सकते हैं। हाँ जी 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 बताया। एक बंदे के पास खाने को रोटी नहीं है, हाँ जी, तो वो क्या करेगा? कल मैं घर में गया हूँ जी, 22-25 हजार मिल रहा है और मेरे ख्याल एक मिनट का घर नहीं था जी। बिल्कुल, एक साल की बच्ची को उबले आलू दे रहे हैं, दो के पैसे नहीं है। साढ़े अब उसको मैंने कहा कि बाहर रोड बने हुए हैं, उसने आगे से ऐसी बात की कि मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। तीन बताए साढ़े साढ़े तीन साल में हमने इमरान खान को वोट डाले, कुछ किया कुछ नहीं ना किया। मेरी बात तो सुने पहले, आप चुप करें पहले मेरी तो बात सुने। साढ़े तीन साल आपने इमरान खान को वोट डाले, आप भी मुझे पीटीआई के सपोर्टर लगने, आपने भी मैं बिल फर्ज आपको कहना हूँ, आपने भी नहीं फिर आपने वोट तो दिया होगा ना? हाँ जी हाँ जी, वो आपने तो वोट दिया। अगर साढ़े तीन साल में वो रोटी जो खाने की वो बात आप कर रहे हैं, वो उसमें क्या उस खानदान का तल्लुक क्या नवाज शरीफ में जाता? खाली क्रेडिट किसमें है? जितनी जमातें यहाँ पे हुकूमत करके गई है ना, सारों का किरदार है कहेंगे ना पीटीआई से नहीं नहीं, मैं 100 आपको प्रोजेक्ट वो गिनाऊंगा कि जो मेरा ख्याल है कि वो जरूरी नहीं थे, दूसरे ज्यादा जरूरी थे जी। आपने जाहिर बात है ये नून लीग की बात की तो मैंने उनकी आपको बात बताई कि ये जो पुल है ये भी इम्पोर्टेंट, आपको पता है ये भी मुल्क इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल राइट बात की। ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं होगा तो आपके मुल्क में कारोबार कैसे होगा वो भी जरूरी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो तरह की एक्सट्रीम है कि जिनके पास खाने को पैसा नहीं उनको पुल नहीं समझ आ रहे। जब कोरोना से पहले आप भी जानते हैं मेन रीजन है कोरोना, कोरोना से पहले सब्जी का क्या रेट था, उसके बाद क्या है दालों का क्या रेट है, उसमें पहला क्रेडिट कोई भी कंट्री है वो कोरोना को क्रेडिट देती है इस चीज का, आपको भी पता है इस चीज का। ये महंगाई जो आई है वो भी 99। मैं आपको बताऊं कि कोरोना 2020-21 में चला गया, उसके बाद में जो हुकूमत आई शिवाजी साहब की उसमें तो रेट आसमानों पे चले गए ना। लेकिन बाकी 16 माह की जो कारकर्दगी है ये बिल्कुल आप लिख रहे हैं। 76 साल की तारीख में पिछले साढ़े तीन साल बुरे थे तो 16 साल उससे भी बुरे थे। 16 माह जो है तारीख का सबसे बड़ा नुकसान मुल्क का, ये जो ये मार्टर कौंसलर, अगर शहबाज शरीफ सुन रहे मेरी बात, हमजा वो बात मैं कह रहा हूँ, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये दो खानदान जरदारी और नवाज शरीफ, चलो इमरान तो 3.5 साल है वो ना लायक था, बुजदार जैसा एक बेशरम आदमी, उसने 3.5 साल हमारे ऊपर मुसलत किया। हाँ, चौधरी परवेज लाई साहब एक तजर्बा कार बंदे थे, उनको चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। सबसे पहले नून लीग को देंगे, नून लीग को टीएलपी को, ठीक है, इमरान खान किसी को नहीं शेर। सलाम अलैकुम। एक बब्बर शहर है जिन्हें 14 जमातों नु अगे ला के नंगा, नवाज शरीफ ते जेड़ा मुश्किल आंदी है बब्बर शहर गैरतमंद। इमरान खान पाकिस्तान में बैठा है, उसका जीना मरना इधर है। ये भगौड़े हैं, भाग जाते हैं, पैसा लूटते हैं, जहाँ पे लंदन पे बीबीसी लंदन का मैंने इंटरव्यू खबरनामा सुना था, उन्होंने बताया था कि वहाँ के रिहायशी, लंदन के रिहायशी वजीर और सफीर वहाँ पे जगह नहीं खरीद सकते जहाँ से इस लुटेरे चोर ने खरीदी है एवन फील्ड लंदन में। ये बेजमीर है, कह रहे हैं मैं मुल्क की तकदीर बदलने हैं, वो तकदीर अपनी नहीं बदल सकता, इसकी तकदीर अब इमरान खान बदलेगा, नवाज शरीफ की तकदीर इमरान खान बदलेगा। जैसे कल जवेद लतीफ की तकदीर बदली है ना शेखुपुरा वालों ने, मार मार के पत्थर मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके भागे, ऐसे वो अंदर बैठ, पुरानी वीडियो नहीं भी आ जाएगी। खान अंदर बैठा इन सब का मुकाबला करेगा। खान एक गैरतमंद दलेर आदमी है, जिसके खान ने 3.5 साल में क्या किया? 3.5 साल में उसने सेहत कार्ड बनवाया, जो एक कैंसर का अस्पताल है जहाँ पे मरीज मर जाते हैं, ये लोग कहते हैं कि इलाज नहीं होता, इलाज उसने टाइम बचाया, 50-50 लाख रुपया इनका किरायों का वीजों का बचाया। हम पीटीआई को है, उस वक्त में बहुत सस्ता सब कुछ मिलता है। भाई आप किसे वोट देंगे? भाई पीटीआई आप पीटीआई पीटीआई
किसे वोट देंगे? मैं भी पीटीआई को दूंगा, नवाज शरीफ को। नहीं, नवाज शरीफ को वोट देना। यार भी क्या कहे यार, मेरा मुंह निकल गया यार, मुंह तो लिफास आना है। मैं भी पीटीआई को वोट दूंगा नवाज शरीफ। यार पीटीआई तो लिफास मेरे मुंह से आना है। पीटीआई से कब खड़े होंगे? ये 8 तारीख को, 8 तारीख को नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे आप? हाँ, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब कौन सी जमात से खड़े होते हैं? ये नहीं मुझे पता, मैं वोट नवाज शरीफ को देता हूँ। पीटीआई को नहीं वोट देना मैंने, पिछली दफा दे दिया ना मैंने। पीटीआई कौन सी जमात है भला? इमरान खान की। हाँ, तो नवाज़ी साहब की कौन सी जमात है? उनका नहीं पता मैंने। आपको नवाज़ी साहब की जमात का नहीं पता? जमात का नहीं पता, वैसे ना वोट नवाज शरीफ था। नहीं, नून लीग का नहीं आपको पता? नून लीग का, नून लीग का। हाँ, नून लीग का वोट नून लीग। नहीं नहीं यार, आए जरा और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि वोट किसे देंगे, वोट किसको देंगे। सर इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग को? नून लीग पक्का, कंफर्म नून लीग। कंफर्म जो उम्र, जो मर्जी है नून लीग पक्का वोट, जो मर्जी हो जाए इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे आप? मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून को। और आप? अभी तक सोचा नहीं है यार। सोच ले, अब तो आ गया वक्त। अभी वक्त बहुत दूर है, एक माह रह गया तकरीबन। नहीं नहीं, एक माह बहुत होता है। तो आप नून लीग को वोट देंगे इंशाल्लाह? ठीक है। टीएलपी? टीएलपी मिस। आप किसको वोट देंगी? आप किसको वोट देंगे? मैं यार वोट देना पसंद नहीं करता। यूएस में लैपटॉप गेन किया है, हुकूमत ने लैपटॉप दिया, लेकिन वोट इमरान खान का। अच्छा, ठीक है। किसे वोट देंगे आप? नवाज शरीफ। नवाज साहब को। आप किसको वोट देंगे? तरीके लबाई को, इंशाल्लाह। भाई किसे वोट देंगे? सर मेरा आईडी कार्ड नहीं बने हैं। बनवा लें, अब तो बड़े हो गए। तुहानू दांगे जनाब, तुहानू मेनू वोट दोगे? तुहानू दो चार कैमरे। जी सर। किसे वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान। किसको वोट देंगे आप? तेनू। मुझे वोट देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। आप वोट किसको देंगे? जो अब आएगा, अभी इमरान खान का तो पता नहीं, नहीं तो इमरान खान को देंगे। नहीं सर, कैसे नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है इलेक्शन। डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद को, ठीक है। आप पीटीआई के वोट रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? वोट जी, पहली बात है कि आपने देखा कि हमने सबको आजमा चुके हैं। अच्छा, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसको हमने आजमाया नहीं है। और आप ये बताएं कि हमारी उम्मीदों पे उतरता कौन है पूरा? फिर वोट किसको दे? वोट किसको दे मुझे बताएं ना, आप बताएं किसको दे। तो हम तो यही कहेंगे कि वोट जो है ना, वोट मेरे ख्याल से किसी को नहीं देना चाहिए। हमने जब लियाकत अली खान हमारे पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, उसके बाद जितने भी वो अपने वो जब वक्त के नवाब थे, और जब वो मरे हैं तो वो फटी बनियान में मरे हैं। ये होते हैं हमारे लीडर। इस तरह के लीडर कोई हो तो वोट हम दे। किसी को वोट नहीं देंगे? आप बताएं कैसे वोट दे? क्या करना है? नहीं अब आप तो हम वो कैसे करें? किसे वोट देंगे आप? पीटीआई। पीटीआई। आप किसको वोट देंगे? नून लीग। नून लीग। पीटीआई। पीटीआई। क्या हाल है भाई, खैरियत से? बजान किसे वोट देंगे आप? हम अपना इमरान खान को देगा। इमरान खान को, ठीक है। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। किसे वोट देंगे? वोट किसको देंगे आप? इमरान खान। इधर आ जाए ना, करीब से आ जाए। जी इमरान खान आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। आप किसको वोट देंगे? हम तरीके लबैक पाकिस्तान को वोट। ठीक है। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान, पीटीआई। इमरान खान सर, इमरान खान। ठीक है। आप किसको वोट देंगे? पीटीआई। पीटीआई। अजय आप किसको वोट देंगे? हमें पता है नहीं खान। किसी को भी वोट नहीं देंगे? आप किसको वोट देंगे? डीएलपी को। शेर को वोट देंगे? क्या वजह? बस वजह ये कि उनके दौर में काम अच्छा था। काम अच्छा था? हाँ जी। आजकल काम? आजकल काम कुछ भी नहीं है। चार दिन के बाद आज अभी एक सेट बेचा बस। चार दिन के बाद एक सेट बेचा? चार दिन के बाद एक सेट बेचा। ये क्या वजह? मालूम है, बातें कर रही है सर। ठीक कारोबार आपको लगता है कि शेर आएगा तो मोबाइल मोबाइल बिक जाएंगे? दोबारा आजमा के देखते हैं, बंदे के पुत्र बन गए। अब कोई वाम के बारे में कुछ सोच ले, इसलिए लास्ट चांस इनको देना बस एक दफा। लास्ट चांस? लास्ट चांस है हमारा, चौथी बार लास्ट चांस। इंशाल्लाह लास्ट चांस है, उसके बाद भी कोई और देखेंगे। ठीक है। क्या हाल है, खैरियत से? वोट किसको देंगे आप? जिसको आप कहेंगे वैसे उसको देंगे। नहीं मैं, मेरे कहने से तो नहीं देना, आपने अपनी मर्जी से देना। तो ये खान साहब को आजाद करेंगे तो पता चलेगा, मुकाबला फ्री होगा। नहीं अभी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनमें मुकाबला है सख्त। ठीक है। तो आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? सर किसको वोट देंगे फिर? जिसको आप देंगे। नहीं आपने अपनी मर्जी से देना है। हमने अपनी जमात को। हाँ जी जमात को देना। कौन सी जमात? जमात इस्लामी? नहीं मुस्लिम, मरकजी मुस्लिम लीग। मरकजी मुस्लिम लीग। ठीक है। आप किसको वोट देंगे?
नवाजी साहब आप भाई किसको वोट देंगे? पीटीआई को। ठीक है सर, आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। अच्छा ठीक है, क्या वजह क्या है? फोन पे आप क्या वजह क्या है? वजह क्या वजह आपके सामने है सारी यार, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं बता दे, मेरे सामने तो नहीं वजह, आगे आ जाए सर। क्या क्या वजह? वोट इमरान खान बिल्कुल अपने राइट्स पर है, हर चीज के ऊपर। कि कौन सा चीज है? कोर्ट्स में चले जाए आप, कोर्ट्स में नहीं अपनी राइट्स। कोई अदालत का कोई लॉ कानून पाकिस्तान में हो रहा है? किसी किस्म का कानूनियत है? सारी खत्म हो चुकी है। आप इसको वोट देंगे? हम अभी तो फाइनल नहीं किया, कर लें, ये कौन सा मुश्किल फैसला है। आप इसको वोट देंगे भाई? डट के कह रहे हैं इमरान खान को वोट देंगे, बल्कि जितना भी हो सकता है लोगों को साथ में लाएंगे। आप इसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। जो बल्ला खत्म किया है ना। हाँ जी। पीटीआई। हाँ। खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, हर बंदे में पीटीआई है। अच्छा हाँ, तो फिर किसको वोट देंगे आप? जो आजाद खड़ा होगा। यहाँ से तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात जमा करवाए हैं, तो उसी को दूंगा। उसको देंगे? साहब मियां नवाशी साहब भी है यार, एक बड़े लीडर है। हमको भिखारी बना के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने आया हूँ, चौथी बार वजीर आजम। हमको मारने आए ना, तो फिर तकदीर को बदल। हाँ जी। नाल अफगानी सर साढ़े आजाद होया, दो साल होए ने, कितने पहुंच गया? ये तो ही है ना, सानू सारा सारे खाना टकरे ने। वोट किसको देंगे आप? वोट होता ये आके ना तो भैया के नस्ता ही पीटीआई था। पीटीआई का वोट है? नवाजी साहब को वोट नहीं देंगे, वो यहां से खुद सारे सारे खुद यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 13 पार्टियां सब लोटे इकट्ठे हुए ने, वो कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन के बाद तकदीर बदल देनी है। तकदीर ने सानू छुरी पेड़ देनी है, साडी पेड़ देनी है। जिंदाबाद। 35 सालों में तो नहीं बदली, लेकिन 35 साल में नहीं बदली। इमरान खान जिंदाबाद। देख लो साडे मुल्क सब कुछ ही है, सब कुछ ही है। पांच दरिया ने साडे को सोना है, तांबा है, हर चीज है, वो सानू खाना नहीं मुकदा। नवाज साहब भी है हमारे पास। अफगानी उदीन नवाज जी ने कह रहे हो, मेरी गल सुनो, इमरान खान ने की कहा था कि मैं प्रदेश लाई नु चपरासी भी ना रखा, उन्हें भी ज्यादा सीट दी है। शेख रशीद कहते सब तो बड़ा पचवंजा रुपए किलो। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਕੋਈ ਬਤਾ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਪੰਜ ਲੋਟੋ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਪੰਜ ਲੋਟੋ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਪੰਜ ਲੋਟੋ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁਆ? ਸਾਰੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਜਿਸੂ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਮੇ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੀਰ ਵੀ ਲੋਟਾ। ਆ ਪੰਜ ਕੰਮ ਬਤਾਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੇ। ਜੀ ਮੋਟਰ ਵੇ ਬਣਾਈ, ਹੁਣੀ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਦੀ ਆਪਕੀ, ये मेट्रो बस बना दी, बिजली आपको लोड शेडिंग का खत्म करवा दी, और पेट्रोल आपको 70 रुपए लीटर। अभी आप एक मिनट पहले कह रहे थे कि घर के हालात का क्या करना है? घर के नवाज शरीफ की हुकूमत में आप देख लें कि आपको चीनी एक 50 रुपए किलो मिल रही थी। 16 माह की हुकूमत थी। हाँ जी, तो मैं तो नहीं देखी जा रही थी हुकूमत। वो तो कोई काम बताओ जो नून लीग ने किया हो। क्या कह रहे हैं? आगे आए ना जरा, सीमेंट और सर्वे सरिया के अलावा कोई काम बताओ जो बहुत काम किया हो। हाँ बताए बताए बताए, आगे आ जाए ना, आगे आ जाए। एचईसी की सारी की सारी जो भी मेरी बात जो एचईसी के कार्ड बनाया, किसने नेगोशिएशन की थी? देखो एक मिनट बात, एक मिनट बात, एक ऐसा स्कूल बताए, ऐसा कॉलेज बताए, एक ऐसा हॉस्पिटल बताए जो नवाज शरीफ ने बनवाया हो, जिसमें वो अपना इलाज खुद कर सके। नवाज शरीफ मेडिकल बताए, ठीक है, नवाज शरीफ अस्पताल बताए जिसमें वो अपना इलाज खुद कर सके। वो इंजेक्ट हो जाते हैं सर, सर्विस चार को ही सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट रहा है नवाज शरीफ, वहाँ पे उसका इलाज होता रहा है, वहाँ पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना। एक मिनट भाई, ठीक है, मेरी वालदा बाहर भेजता है, ट्यूमर की पेशेंट थी मेरी वालदा, चौथा खाना लेके गया हूँ, एक दिन में 3.5 लाख के टेस्ट करवाए हैं मैंने। ये किधर का जो है फ्री हॉस्पिटल है?
बात सुने आपने उन लोगों भी मौजूद है सारी सारे प्रूफ है मेरे पास मौजूद है हाँ सारा कुछ मौजूद है मैंने स्कॉलरशिप दिए थे एचईसी ने ठीक है नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दिए थे जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ने जाता था जिसमें बलोचिस्तान के लोग थे नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने की कोई एक करप्शन बताओ जिसने कोई करप्शन की हो बताए परफॉर्मेंस बताओ अंदर की परफॉर्मेंस बताओ करप्शन आपको नहीं बता प्यारे भाई बताए ना एक्सप्लेन करें ना सकते इलेक्शन से क्यों भाग रहे इलेक्शन से क्यों भाग रहे तोशाखाना केस में तो कुछ है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की कुछ सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट को केस किसके ऊपर है 95 मिलियन पाउंड का केस किसके ऊपर है तोशाखाना के 95 मिलियन पाउंड का इंटरेस्ट कितना बड़ा केस है पहले किसके ऊपर नवाज शरीफ को किस पे निकाला था किस पे निकाला था आप कह रहे हो ना उसके ऊपर एलिगेशन किस चीज के थे वो निकला किस चीज के ऊपर था वो करप्शन के ऊपर ही निकला इमरान खान को क्या जरूरत है वो तो एक स्टार है वो एक शर्ट भी पहन ले वो करोड़ों में बिक जाता है काम के लिए अरे ऑथेंटिक बात करें आप स्टार से निकले बाहर उसने पहन ली वो अभी 18 वो जो इलेक्शन अगर मैं कोई दावा करता हूँ कोई भी दावा करता हूँ मैं कि मैं ये रोड अच्छी बना दूंगा मैं ये सवालों के जवाब बताएं मैं नून तो यार को मान लूंगा मुझे चले इसको नून ली में ले आए इसके जवाब नवाज शरीफ के एक ऐसा हॉस्पिटल बताएं जिसने बनाया वो जिसमें वो अपना इलाज खुद मैंने तो 6-8 की दवा दी आपको घरों का वादा किया वो किधर गया किसने उसकी जगह उसकी जगह किसने दी थी उसकी जगह किसने नूनली वालों में यही है एक मिनट यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त भी कम रहता है हम यहाँ पे खड़े लोगों से पूछ लेते हैं कौन किसको वोट देगा आप किसको वोट देंगे नंबर 800 आप टीएलपी पीटीएलपी ये कौन टीएलपी टीएलपी मैं कहीं मिक्स कर दी बात आप किसको वोट देंगे पीटीआई जिंदाबाद इंशाल्लाह आप नून लीग वोट देंगे खून के कतरे के साथ पीटीआई को वोट देंगे इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा वो सही के साथ देना पड़ेगा लाखों का वादा किधर किया अच्छा आप वोट किसको देंगे नून लीग को आप नून लीग पीटीआई आप नून लीग नून लीग आप नून लीग नून लीग पीटीआई पीटीआई नून लीग मियां साहब से गुजारिश है पीटीआई पीटीआई इधर आओ ना अब देखो सारे कह रहे कि तुसी दसो जरा 50 लाख ही करा दा वादा किधर गया हां जी 50 लाख का करा दा वादा ओने को खाते तो नहीं खाते नहीं और किना को बनावे वो काम करता भी है ना 1000 कोई काम 1000 जड़ा चला दिया है चले ये एक वो पैसा है जिस पे पूरा मुल्क फंसा हुआ है गेम के लिए फंड इकट्ठा किया कि किधर गया आज तक पता ही नहीं है ठीक है नाज़िम ये मामला है कि आवाम से हमने आज जाना कि ये जो NA 130 है इस पे किसको वोट डालेंगे इस हलके में दो बड़ी नामवर शख्सियात मियां मोहम्मद नवाशी साहब बताते खुद इस हलके से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो पिछले इलेक्शन में यहाँ से सीट निकालने में कामयाब नहीं हुई थी बड़ी कम मार्जिन से जो है वो सीट से हाथ धो बैठी थी इस बार देखते हैं कि वो क्या टफ टाइम देती है नवाशी साहब को या नवाशी साहब क्या टफ टाइम देते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ये मामला था आपने आवाम की राय सुनी अपनी राय से हमें आप भी आगाह कीजिएगा तब तक के लिए अपने मेजबान अली अमदा को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़